हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज हो रही है हमारी मार्केट जाने की तैयारी, जो कि बहुत जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि त्यौहार का टाइम, स्पेशली हम गर्ल्स का ये त्यौहार का टाइम आया था। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इंटरेस्ट रहता है बहुत लंबे समय से, लेकिन बारिश की वजह से और भाई भी नहीं था तो फिर मेरा ना मार्केट जाना डिले होता रहा काफ़ी। और ये देखिए पुल के पास किस तरह ये बकला है या बाज है, पता नहीं चल रहा था कौन है, दूर से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतने पंख फैला के बैठा हुआ था, अच्छा लग रहा था। और अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट, और मार्केट में भीड़ इतनी थी। अभी तो हम ये मेन वाली रास्ता में जा रहे हैं इसलिए पता नहीं चल रहा, नहीं तो हर शॉप फुल थी। मैंने तो आधा और यहाँ पर मैंने सबसे पहले वो शॉपिंग की है जिसकी मम्मी ने लिस्ट बना के भेजी थी। मम्मी है, महीने में दो बार मार्केट जाती होंगी, कोई घर से जाता है तब भी सामान आता है। और मैं अपने लिए शॉपिंग करने गई थी, फिर भी मम्मी ने मुझे लिस्ट पकड़ा दी थी, कह रही थी कि अब तुम जा रही हो तो तुम ही चली जाओ, वैसे भी हम नहीं जाएंगे और तुम ही ले आना सारा सामान। तो फिर मैं नहीं, मम्मी के पहले मैंने कहा कि सारा मम्मी वाला लिस्ट का सामान ले लेते हैं ताकि मतलब कि कुछ भूले ना, फिर बाद में मेरा राखी आखी वाला रह जाएगा, वो मैं बाद में करती रहूँगी। तो यहाँ पर मुझे ना बेड शीट, यहाँ पर मैं अपने लिए ड्रेस देखने आई थी एक सूट के लिए, लेकिन फिर मुझे बेड शीट दिख गई तो फिर मैंने वो ले ली। सूट तो नहीं मिले थे मुझे, कलर अच्छे नहीं मिले थे। देखो कलर ऐसे लो जो अपने ऊपर खेले। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा ये पीला वाला कुर्ता ही क्यों पहन के आती हूँ, ऐसा नहीं, ये पतला है और फुल भी है, इसलिए मैं मार्केट में ज़्यादातर इसी को पहन के आती हूँ। चुकी हूँ मैं राखी वाले मार्केट में, लेकिन सबसे पहले इस शॉप में आई थी कि यहाँ पर मुझे कोई ड्रेस मिल जाए अपने लिए अच्छी। और वैसे मैं बताऊँ, मेरा ना बहुत ही पंगा रहता है ड्रेस खरीद में, मुझे कोई और लेके आ जाए तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मैं खुद से खरीदती हूँ तो कम से कम मुझे 200 ड्रेस चाहिए, 200 में से मैं एक सेलेक्ट करती हूँ, और ऐसा कोई दुकान में मिला नहीं मुझे, तो फिर मैंने नहीं ली। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब राखी खरीदने। राखी इतनी सारी थी कि कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि सारी पसंद आ रही थी, कौन सी ले लो, ऐसा लग रहा था कि सबसे एक एक पीस निकलवा लो। सफेद वाले आ वो का बोलते हैं इसको, ये अच्छा देख, ये अच्छा है, और बस सारे मार्केट करके आ गई थी। और राखियाँ भी मैंने ख़रीद ली थी, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पर एक अच्छी सी शॉप दिख गई थी जिसमें और भी सुंदर सुंदर राखियाँ थी, तो बस लेकिन थी ऐसी सिंपल सिंपल जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो फिर मैंने कहा कि यहाँ से भी एक दो ले लेती हूँ। और मैंने डुग्गू के लिए और उसके लिए सोच रही थी, मामी के बेटे के लिए, कृष्णा के लिए, कि अच्छी टैडी वाली लाइट वाली लेती हूँ, लेकिन वो इतने हैवी हैवी आगे का था, फिर मैंने कहा बच्चे निकाल के फेंक देंगे तुरंत, वैसे एक दिन के शौक होता है, ले लेती तो ठीक रहता, लेकिन मैंने वो सिंपल सिंपल ले ली। ये तीसरी दुकान है जिसमें मैं अपने लिए ड्रेस देख रही हूँ, और यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे दिखाए मुझे, ऐसी कुछ कुर्ती मैं लेनी थी क्योंकि
न्यू डिज़ाइन में मेरे पास कुर्तियाँ नहीं है, बहुत पुरानी जो है मतलब कि सिंपल कुर्ते टाइप के वही थे, लेकिन इतनी भीड़ थी दुकान में, मैंने दो तीन पीस देखे मुझे पसंद नहीं आए, फिर मैं निकल आई। मैं दुकान के बाहर आके कपड़े ट्राई कर रही थी अपने ऊपर लगा के, क्योंकि अंदर की जगह पहले से फुल हो रही थी। बस मार्केट से आती जा रही हूँ। देखो मार्केट से आने के ना बाद सामान मम्मी हमारी ले जा रही है, मैंने सामान वामान सब वही रखा। सबसे पहले अपने बालों में ना अच्छे से तेल डाल के छोटी, क्योंकि बाइक में ऐसे बाल एकदम उड़ जाते हैं ना, मम्मी की वजह से चैन नहीं पड़ रहा था एकदम। देखो एक ऑयल डाल के और एकदम खींच के छोटी कर लिए, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब कि कहीं पर बाल टच नहीं हो रहा है। एक तो वो बाइक में आगे के छोटे छोटे बाल है ना पूरे उड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं, और जो पीछे के हैं वो तो पूरे घूम ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या बन गया। और यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं शिवानी मौसी की साड़ियों में फॉल, और एक साइड मतलब कि मशीन से ही लगा देती हैं मम्मी, और वो करना था जो साइड में क्या बोलते हैं उसको, पीको, हाँ पीको करनी थी, तो वो सारी साड़ियाँ कंप्लीट कर रही हैं, क्योंकि मौसी की हो रही है कहीं जाने की तैयारी, और तैयारी अटेंडम ही बनी है, पहले किसी को कोई प्लान नहीं था। और फिर मौसी भी हमारी देखो एंड टाइम में ही सारी प्लानिंग करती हैं, और सब सामान भी रखा, साड़ी कंप्लीट करवा लेती, फिर मम्मी ने अटेंडम मौसी की साड़ियाँ कंप्लीट की, ये फॉल पीको वगैरह। यहाँ पर हो रहा है अगली सुबह का टाइम, मैंने अभी बस पूजा की है, पूजा खत्म करने के बाद लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद बनाया है, साबूदाना की खीर। और कल मैं जो रक्षाबंधन की शॉपिंग करके आई थी वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं, वैसे मैंने शॉपिंग बहुत सारी चीजों की थी, घर का सामान भी था मेरा सामान भी था, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखा देती हूँ जिसके लिए मैं वहां तक गई थी। और सबसे मेन बात ये भी थी कि मुझे ना अपने लिए ड्रेस लेनी थी, मुझे रक्षाबंधन में मम्मी ने 2000 रुपये दिए थे, कह रही थी कि इससे अपने लिए जो भी ड्रेस लेनी है ले लेना। और तो मैंने ना दुकान में देखा, एक तो दुकानों में बहुत भीड़ चल रही थी, दो दुकान में गई, दो दुकान में मुझे पसंद नहीं आए, तो फिर मैंने कहा मेरे पास इतने सारे गाउन वगैरह रखे हैं, इस बार मैं उनमें से कोई पहन लूँगी और बाद में ले लूँगी, क्योंकि एक तो त्यौहार के टाइम वैसे भी चीज़ें बहुत महंगी देते हैं और सही नहीं लाइन से मिलती हैं, और जस्ट एक दिन पहले गई थी एकदम दुकानें ना फुल हो रही थी, तो फिर मैंने ड्रेस नहीं ली है। मम्मी तो डांट रही थी जब घर आई थी, तो कह रही थी कि लेके आ जाती कोई एक सिंपल सा ले आती, वो तो कह रही थी एक सिंपल सा सूट ले लेती, लेकिन मैं नहीं लेके आई, राखी लेके आई हूँ और बाकी जो भी सामान था वो लेके आई हूँ, लेकिन राखी राखी दिखा देती हूँ उनको। ये रही सबसे पहले है ये राखी, और ये है लड्डू गोपाल के लिए ये वाली, और ये है, मैं वैसे राखी ना बहुत महंगी महंगी भी थी, बहुत सुंदर सुंदर भी थी, लेकिन देखो राखी राखी होती है, मुझे बहुत सारी लेनी थी इसलिए फिर मैंने एक ही प्राइस में सारी राखी, इतनी सारी राखी मैंने ली है ना, उतनी अगर मैं महंगी वाली खरीदती तो 2-3 हज़ार की राखी राखी आती, तो फिलहाल तो मैंने सिंपल खरीद ली है। देखो राखी राखी होती है, और फिर ऐसा नहीं कि अपने भाई के लिए अच्छी खरीद लो 500 रुपये की और सबके लिए 20-20 वाली लेके आ रहे हैं, तो वो सही नहीं लगता, मैंने कहा सबके लिए एक जैसी ही खरीदूंगी। और विवेक के लिए मैंने ऑनलाइन मतलब कि वो एक रुद्राज का ब्रेसलेट जिस समय पर ट्रेंड में चल रहा है, और मैंने इंस्टा में हर जगह देखा था, तो मैंने कहा ऑर्डर कर देती हूँ आ जाएगा, अब वो अभी आया नहीं है, बाद में आ जाएगा, तो फिर वो बाद में पहन लेगा, 19 तारीख को दिख रहा है, तो देखो आ जाए टाइम पे तो अच्छा है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं बाद में बांध लेगा, राखी बांध लेंगे तो उनके तौर पर। तो पहले ये राखी, 4 राखी लिए हैं, और ये है एक इसमें से है डुगू के लिए, एक है मामी के बेटे के लिए, ये पतली पतली टैडी एडी वाली मैं नहीं लेके आई, वो एक दिन पहनते हैं नोच के फेंक देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छी लगेगी उनके हाथ में, पतली पतली ये लड्डू गोपाल, और एक ये रहा पूरा पत्ता राखी के सेट का, एक ये, और उसके बाद एक ये रहा, मैंने देखा है राखी ना सेम ही सेम थी सारी दुकानों में, या तो फिर वो जर्किन वाली अलग अलग थी डिब्बियों में जो कि बहुत महंगी दे रहे थे, एक एक राखी का प्राइस था 300-300 रुपए जर्किन वाले का बता रही हूँ, और बाकी ऐसी सब सेम में थी, वो जब इतनी सारी राखी देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते कौन सी अच्छी लग रही कौन सी नहीं, तो ये सिंपल सिंपल मैं लेके आई हूँ जो बन पाए, और कुछ ये ओपन वाली है अच्छी लग रही है सिंपल, देखो
जैसे किसी और को भी बांधना ताऊ लोगों के हाथ में, तो ये अच्छी लगेगी, इसमें कछुआ बना हुआ है ऐसे। और दो ये है सेट की, हाँ ये भी। तो बस ये इतनी सारी राखी लेके आई हूँ, ये भी इसमें आठ, चार का चार, चार दो नहीं आठ ये रही, और दो ये रही, तीन ये रही, मतलब कि कुल मिला के 18-19 राखियां हैं ये पूरी। और उसके बाद है ये कुछ मैं सूट है, ये चाची के बेटों के लिए है, और डुगू तो मतलब मासी जा रही है महोबा, तो मैंने सोचा था डुगू के भी लिए ले लूं और राखी बांधूंगी, तो उसको भी कुछ चाहिए नई ड्रेस। तो फिर मौसी बोल रही थी कि रहने तो अभी तो हम जा रहे हैं, फिर कभी देख लेना, तो फिर मैं बाद में ले जाऊंगी। तो अभी ये चाची के बेटों के लिए लेके आई हूँ, ये छोटे वाले के लिए और ये बड़े वाले के लिए, दो सूट हैं इनके डिब्बे वहीं पे लगा दिए थे। और बस यही शॉपिंग करके लाई, बाकी तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी लेकिन मुझे अपने लिए ड्रेस नहीं मिली, पसंद नहीं आई थी, तो फिर मैंने वो नहीं ली। और यही थी मेरी रक्षाबंधन की शॉपिंग, बहुत ही सिंपल सुवर की है, हाई नहीं, क्योंकि देखो यार टाइम से जाओ और अच्छे से पूरे में घूम के शॉपिंग करो तो वो चीज़ें हो पाती है, ये दौड़ते भागते हम तो बैठे रहे, मुझे 2-3 दिन पहले चला जाना चाहिए था मार्केट, लास्ट दिन बहुत भीड़ थी, लेकिन कोई नहीं, मुझे जो चाहिए था राखी बस वो मिल गई। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।